प्यारे बच्चों, मैं पन्नालाल पटेल बीपीओआईसी रामदासपुर से, इंटर कॉलेज रामदासपुर से, कक्षा 11 एवं 12 के समाज शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, चूंकि नातेदारी ये एक ऐसा चैप्टर है कि दोनों कक्षाओं में सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है, 70% कटौती के बावजूद ये ऐसा टॉपिक है कि जो दोनों कक्षाओं में, यानी कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों छात्रों के लिए उपयुक्त है। तो नातेदारी क्या है, नातेदारी किसे कहते हैं? नातेदारी को अंग्रेजी में किनशिप कहते हैं, इसको संगोत्रता भी कहा जाता है। नातेदारी को, अगर ये नातेदारी क्या होता है इसकी पृष्ठभूमि देखा जाए तो आदिम साम्यवादी व्यवस्था के बाद इसका उदय होता है। आदिम साम्यवादी व्यवस्था में, उसमें लोग समुदाय में रहते थे, लेकिन कोई किसी का कोई नाम नहीं दिया जाता था कि ये हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, चाचा हैं, दादी हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। आदिम साम्यवादी व्यवस्था के बाद ये बात उभर करके सामने आई कि ये हमारे माता हैं, ये हमारे पिता हैं। धीरे धीरे इसमें विकास होता रहा और एक स्टेज ये आ गया कि अब बिना किसी रिश्तेदारी या ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी का कुछ लगता ना हो। बच्चा चाहे छोटा हो अथवा बड़ा, वह रिश्ते में किसी ना किसी का कुछ जरूर होगा। और आप ढूंढ करके भी देखिए, क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति मिल सकता है जो कुछ भी नहीं है किसी का, यानी नातेदारी से संबंधित, चाचा, काका, मामा, फूफा, जीजा, साला, यानी इस तरह से, क्या वो कुछ भी नहीं है? बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद से ही यह व्यवस्था चालू हो जाती है। किसी ना किसी का बेटा, किसी ना किसी का भतीजा, किसी ना किसी का चाचा, वह स्वयं ही बन जाता है। तो आइए इस पर हम थोड़ा फोकस करते हैं। नातेदारी, संगोत्रता, यह समाज में अवश्य पाई जाती है। इसमें दो प्रकार की नातेदारी पाई जाती है, एक रक्त संबंधी नातेदारी और दूसरा विवाह संबंधी नातेदारी। तो नातेदारी के दो रूप देखने को मिलते हैं। पहला रक्त संबंधी नातेदारी। रक्त संबंधी नातेदारी क्या है? इसमें रक्त से संबंधित लोग रहते हैं और नंबर दो विवाह संबंधी नातेदारी। इसमें रक्त संबंधी नातेदारी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये जो नातेदारी की व्यवस्था प्रारंभ होती है यह विवाह के बाद से ही प्रारंभ होती है, लेकिन विवाह के पहले भी इसमें नातेदारियां प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद वह नातेदारी के अंतर्गत आ जाता है, तो उसे रक्त संबंधी नातेदारी कहते हैं। रक्त संबंधी का मतलब वंशानुक्रमण पर आधारित, संगोत्रता पर आधारित जो संबंध पाए जाते हैं उसे रक्त संबंधी नातेदारी कहते हैं। जैसे माता पुत्र, पिता पुत्र, भाई बहन, भाई भाई, इस तरह से 8 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। ये संबंध
जो पाए जाते हैं इनको रक्त संबंधी नातेदारी कहते हैं। यानी उसमें कहीं ना कहीं रक्त से संबंधित बातें अवश्य रहती है। दूसरी जो संबंधित नातेदारी होती है उसे विवाह संबंधित नातेदारी कहते हैं। यानी विवाह के बाद जो संबंध बनते हैं उन्हें विवाह संबंधी नातेदारी कहते हैं। यानी जैसे चाहे एक लड़का हो अथवा एक लड़की, जब उनका विवाह होता है तो इसमें एक नई कड़ी आकर के जुड़ जाती है। यानी जिस लड़के का विवाह होता है वह किसी का जीजा, किसी का यानी उसके अंतर्गत जो उपजने वाले रिश्तेदार हैं उनमें कोई किसी का जीजा, साला, बानोई, हाँ, दामाद और फूफा, इस तरह से एक नए नातेदारी का जन्म हो जाता है। लड़की का जब विवाह होता है वह भी किसी की चाची, मामी, भाभी, हाँ, तो इस तरह से मौसी, एक नए नातेदारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से समाज में दो प्रकार की नातेदारी पाई जाती है, एक रक्त संबंधी नातेदारी, दूसरा विवाह संबंधी नातेदारी। तो इसके बारे में, नातेदारी के संबंध में, मर्टन और मॉर्डॉक ने विस्तृत व्याख्या किया है। मर्टन के अनुसार नातेदारी तीन प्रकार की होती है। प्राथमिक नातेदारी, इसमें नातेदारी के प्रकार इसमें नातेदारी तीन प्रकार की होती है। पहला है प्राथमिक नातेदारी, दूसरा द्वितीयक नातेदारी और नंबर तीन तृतीयक नातेदारी। इस तरह से मॉर्डॉक ने नातेदारी के तीन प्रकार बताए हैं। ये नातेदारी जो तीन प्रकार की बताई गई है इसके बारे में मैं विस्तृत चर्चा आपसे अगले टर्म पर करूंगा कि प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत कौन आता है, द्वितीयक नातेदारी के अंतर्गत कौन आता है और तृतीयक नातेदारी के अंतर्गत कौन आता है। तो आज बस आपको इतना ही, अगले टर्न पर मैं आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नातेदारी के विषय में विस्तृत बताऊंगा। इसमें जहां भी आपको ना समझ में आए बराबर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जब तक विद्यालय में क्लासेस नहीं प्रारंभ हो जाते हैं तब तक इस वीडियो को देखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। इसलिए कि बोर्ड परीक्षाएं निर्धारित हो गई हैं, उसमें परीक्षाएं आपको देना ही देना है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास सिर्फ एक मार्ग बचता है कि वीडियो का अवलोकन करें। ये जो बनाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, इसका अवलोकन करते रहें। जहां भी आपको प्रॉब्लम हो आप संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब मैं अगले टर्न पर ये तीन प्रकार की जो नातेदारियां हैं इस पर फोकस करूंगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।